कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कराची के पोश इलाके में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। गुडअप टाउन में यालाबारी। सिंध में कल से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कराची के पॉश इलाके में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। गडाप टाउन ने यालाबारी। सिंध में कल से रेन एमरजेंसी नाफज है। तो शहर कायद में बारिश की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, मंगूपीर, नॉर्दर्न बाईपास, करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गडाप टाउन में, यालाबारी, सिंध में कल से रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है। और कल ये कराची में हिदायत भी जारी की गई थी कि बारिश के पेश नजर गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। शहर कायद में गुलशन मेमार, सरजानी टाउन, कोरंगी, शारा फैसल, मलीर, सदर क्लिफ्टन, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और दरमियानी बारिश हुई। क्लिफ्टन और हैदरी समेत कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। नॉर्थ कराची और आई एच चुंदरीगर रोड समेत कुछ नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। जब ये वेदर सिस्टम आगे निकल जाएगा बलूचिस्तान से भी और सिंध से भी, तो फिर इसके पीछे कोल्ड लेयर आएगी, तो जाहिर है फिर सर्दी, कुछ रात की सर्दी बढ़ सकती है और दिन के टेम्परेचर भी कल और परसों दोनों दिन अगले दो या तीन दिन निस्बतन बढ़ जाएगी सर्दी। ये बाज मकामात पर बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। जगह जगह पे पानी है, ये सफाई नहीं हो रही यहाँ पे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रह सकता है। तेज हवाएं और आंधी चलने का भी इम्कान है। आफताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।